ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੀ ਗਰਾਰੀਆਂ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਟੁੱਟ ਪੈਣੀ ਹੈ ਆਟਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁੰਨਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਗੁੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ ਗੁੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ। अच्छा मतलब कभी आपकी ऐसी लड़की से मुलाकात हुई हो जो कहती है कि जी मुझे पंजाबी नहीं आती, और अनफॉर्चुनेटली उनके घर वाले पीछे से उसको पंजाबी में आवाज़ देते हो तो आपने उसको थोड़ा एम्बेरस किया हो, या फिर आपने उसको कहा हो कि शेम ऑन यू तुम झूठ बोलती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम जो है वो पंजाबी तो तुम्हें आती है और तुम कहती जी मुझे पंजाबी नहीं आती। अच्छा कुड़ियाँ तो जनाब बड़े होंगे ने आहो ਸ਼ੋਖੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਿਆਲ ਆਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਖੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਹਮ ਕਹੇਂਗੇ ਜੀ ਹਮੇਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਏ। कुछ मैसेजेस शामिल करना चाहूँगा प्रोग्राम में, बिकॉज टाइम जो है वो काफ़ी गुजर चुका है, और आप लोगों ने कहना है कि जी हमारे मैसेजेस क्यों नहीं पढ़ता, ये मुंडा साढ़े मैसेज क्यों नहीं पढ़ता। बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे सामने बैठे हुए ऐसे। यार बहुत शुक्रिया, सो नाइस ऑफ यू, आप बहुत अच्छे इंसान हो और काफी जो है वो खाते पीते घराने से हो। कहते हैं ये कहती है जो भी है, आरजे प्लीज ए दिल तू बता सॉन्ग प्ले कर दे मैं जन्नत, तो ये सॉन्ग आपके लिए है। ओए होए मैं तो लगता जन्नत च कोई होर आ जानी है, मेरे नाम ही सॉन्ग गैडी गैडी किया। वाह जी वाह वाह जी वाह, साढ़े नाम भी लोग सॉन्ग डेडिकेट करते ने। दरक्षा बड़ी है हमारे साथ, शी सिंह दैट सलाम भाई जी कैसे हो, मैं ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है। आपके दोनों प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, गजल शो भी बहुत पसंद, जस्ट आपका नेक्स्ट मैंने किसी को दोस्त नहीं बनाया ना बनाना है, सो नो बेस्ट फ्रेंड ओके स्वीट भाई टेक केयर। वाह जी वाह, ये जनाब स्ट्रेट फॉरवर्ड सी कुड़ी निकली है और ये कहती जी मैंने किसी को दोस्त नहीं बनाना, चले कोई बात नहीं है। कुछ लोग बड़े जो है ना वो हेजिटेट करते हैं, अभी कहते हैं जी ऐसी क्यों किसी ने दोस्त बनाइए, आजकल के दोस्त भी बड़े मतलब ही किस्म के लोग हैं, और वो कहते हैं जी के अक्सर ना लोगों के दोस्त होते हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो ना, तो उनके दोस्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो कहते हैं जी ये बंदा जो है पैसे वाला है, हमें कभी कुछ खिला देगा, कभी कहीं घुमाने फिराने ले जाएगा, ये सारी चीज़ें देखी हुई है ना लाइफ में, जब मेरे पास पैसा होता था, अब तो अल्लाह का शुक्र है अभी भी है। क्यों एस डी जी ये ओए 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 मेरा पर्स ना दिखाओ यार, लोग कहेंगे कि वाह जी वाह बड़ा पैसा है मुंडे को। हेलो भाई खबर हाउ आर यू, मैं ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है। माय नेम इज लाडला मलिक, फर्स्ट टाइम मैं आपको प्रोग्राम सुन रहा हूँ, योर प्रोग्राम इज सो गुड, ओके थैंक यू सो मच लाडला मलिक। ऐसे मलिक बाकी लाडले होंगे नहीं कि बस तू अपना ना ही रखे है कि लाडला मलिक, चले कोई गल नहीं जनाब, अगर तुम लाडले है तो अल्लाह तुम्हें लाडला ही रखे, असं की कह सकते असी तो भरा वास्ते दुआ ही कर सकते। के है हमारे साथ, एंड शी इज सेइंग दैट आई नो दैट शी इज ही बिकॉज ये पहले ऑलरेडी मेरे प्रोग्राम में मैसेज करती हैं कि थैंक यू सो मच फॉर टैक्सिंग एंड शी सेइंग दैट खबर भाई कैसे हो, मैं ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है, आप उम्मीद है ठीक होंगे। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ये जब कोई कहता है ना उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे, तो ये ना पुराने खतूत वाला एक ज़माना याद आ जाता है, जब कहते हैं जब पहले लिखा जाता है अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, मतलब अपनी फूफो के खाता हम देखते हैं ना कि जब वो उधर कराची में रहती थी तो मेरे अबू को वो खत लिखती थी, तो वो अभी नीले नीले लिफाफों में भी पड़े होते, तो बस लिखा होता कि हम उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला की खैर आफियत में होंगे, मतलब वो सारी बातें याद आ जाती है। ला जी आज तो बाद असं खात भी लेने शुरू कर देने, इतने रेडियो च जनाब खाता है करेंगे, इंचार्ज प्रोग्राम रख्त शब आरजे खबर अब्बास चर्च रोड सनी हाइट्स प्लाजा सेकंड फ्लोर है, एड्रेस आप दे देना, इतने हम खाता है करेंगे, डाकिए बाहर जनाब लैंड ला के खड़े होंगे, आरजे खबर से खाता आ रहे होने हैं। आए ओए किन्ने मजे आने गए असि।
खैर जनाब मैसेज शामिल करते हैं जी, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे जी। मैं ठीक ठाक, वैसे मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। और एस डी भाई सलाम, कैसे हो आप? एस डी साहब क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन। वाह जी वाह, एस डी साहब आपको मेरे साथ बैठने का ये फायदा होता है। कहती जी एस डी साहब आप कैसे जी? मैं ये एस डी साहब ने आपको सलाम दे दिया। और ये अब्बास भाई और इमरान भाई, आपको जान के एस डी उदास कहते हैं या आप ये रियल नेम है? और ये दोनों हर वक्त आपको तंग क्यों करते हैं? एस डी हमारा यार है, हमारा दिलदार है, हमारी गुलबहार है और हमारा प्यार है, 100 रुपए का हार है, इसलिए हम इसको तंग करते हैं और ऐसी कोई खास वजह नहीं है। और एस डी का ये रियल नेम नहीं है, एस डी का रियल नेम एक दफा मैंने लिया है लेकिन आपको समझ नहीं आया। बड़े लकी हो एस डी, तो मेरे सामने बैठे हुए, वरना मैंने तुम्हारा नाम रियल बता देना था। वैसे ये बता देता हूँ कि एस डी का मतलब होता है साइंसदान। ये मैं बता देता हूँ, एस डी का मतलब है साइंसदान। कोई लड़की का नाम नहीं है? कोई लड़की का नाम नहीं है? हाँ, ये किसी लड़की का नाम नहीं है, ये एस डी ने खुद ही कह दिया है। चलो यार, बाकी के मैसेज फिर पढ़ेंगे। एक्चुअली टाइम बिल्कुल शॉर्ट है और मैंने ब्रदर लक का न्यू सॉन्ग जो है वो ट्रैक जो है वो निकाल के रखा है और ये डेडिकेट करना चाहूँगा आप सब दोस्तों को, खास तौर पे आप लोगों को जो कि फेसबुक पे सब मेरे साथ हैं। हाँ यस, ऑफ कोर्स आप ये ट्रैक सुनिए, इसके बाद लौट कर आएंगे, मुझे खबर कहते हैं और आपको जो भी कहते हैं अपने बारे में ज़रूर बताइएगा।